आज हम उपस्थित हैं मेष राशि वालों के लिए, क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न होगा बृहस्पति के परिवर्तन के, बृहस्पति का जो विशेष परिवर्तन होने जा रहा है, अस्त होने जा रहे हैं बृहस्पति, और उसका प्रभाव क्या रहेगा। देखिए, बृहस्पति का विशेष तौर पर ज्योतिष दृष्टिकोण से एक बहुत ही पवित्र ग्रह माना जाता है, शुभ ग्रह माना जाता है, शुभ की पराकाष्ठा कोई हो सकता है बृहस्पति, तो कोई ग्रह हो सकता है तो बृहस्पति है, देव गुरु कहा जाता होगा, सात्विकता के ज्ञान के देवता माने जाते हैं, देवताओं के गुरु माने जाते हैं। सही दिशा जिन किन से प्राप्त हो सकती है, बृहस्पति से ही प्राप्त हो सकती है, पर ऐसे में कल्याण करने वाले ग्रह माने जाते हैं, देवताओं के गुरु, देवताओं के गुरु यानी समझे, और वो हो गए हैं अस्त। जब वो अस्त हो जाएंगे तो क्या होगा, ज्ञान सो जाएगा। मेष राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से बड़ा विचित्र प्रकार का योग बना है। नववर्ष जैसे आरंभ हुआ है, पिंगल नाम का संवत आरंभ हुआ है, और ये सबसे पहले तो आप सबको नव संवत की बहुत शुभकामना। और नव संवत पिंगल जो होता है वो विशेष तौर पर उसका प्रभाव ये है कि वो थोड़ा सा विरोधाभास, परस्पर विरोध उत्पन्न करने वाला संवत माना जाता है, समय माना जाता है, टकराव की स्थिति उत्पन्न करता है और साथ साथ भय का वातावरण बनाता है, और साथ साथ प्राइस में, मूल्यों में वृद्धि करने के संकेत भी इस समय के अनुसार से मिलते हैं। वैमनस्य आपस में बढ़ सकता है, पंतों में आपस में मनमुटाव हो सकता है, राज्यों में आपस में मनमुटाव हो सकता है, सरकारों में मनमुटाव हो सकता है, तो ऐसे में युद्ध की स्थिति चलती रही है, प्राकृतिक आपदाओं का योग दिखाई देता है, विस्फोटक ये समय माना जाता है। और ऐसे में ज्ञान के देवता बृहस्पति का अस्त होना, और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट परिवर्तन और आने वाला है अप्रैल के महीने में ही, सूर्य का राहु के साथ योग बनना, युति बनना। सूर्य का राहु के साथ युति किसी प्रकार भी ठीक नहीं है, और ये सब प्रभाव जो उत्पन्न करेंगे, और ऐसे में बृहस्पति का अस्त हो जाना, बृहस्पति आपके कहां चल रहे थे, आपके लिए विशेष तौर पर हम कहेंगे ये मिक्स सा समय है, कुछ अच्छा कुछ खराब। हमें दिखाई देता है कि मेष राशि वालों को बृहस्पति ने बहुत परेशान किया, कई मामलों में परेशान किया, तो आपके लिए तो बृहस्पति का अस्त होना होंगे कई मामलों में शुभ है, लेकिन कुछ मामलों में खास सावधानी की जरूरत भी है, क्योंकि बृहस्पति जो आपके लिए थे वो नुकसान करा रखे थे, लाभ नहीं देने के योग बना रहे थे, शत्रुओं की वृद्धि कर रहे थे, लोग बैठे बैठे आपके फूट रहे थे, योग ऐसे बन रहे थे, रोगकारक योग दे रहे थे, साथ में क्योंकि आपके 12वें भाव में बृहस्पति का बैठना शुभ नहीं होता है, और साथ में वो छठे को देख रहे थे, तो आपके लिए तो बृहस्पति का अस्त होना एक तरह से काफी ज्यादा, हाँ मैं कहूंगा कि जो समय परिवर्तन से पहले ही परिवर्तन का योग बन गया है वो, लेकिन फिर भी कई मामलों में जमीन जायदाद के मामलों में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, अपने प्रॉपर्टी, अपने व्यवसाय, अपने जमीन जायदाद के मामले में थोड़ा सावधान रहिएगा, कहीं कुछ वहां नुकसान कराने के योग दे सकता है बृहस्पति का अस्त होना। सुख में कहीं कमी ला सकता है, माता जी का स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, माता के साथ संबंध ठीक रखने का प्रयास कीजिए, और जमीन जायदाद संबंधी चीजें सुख में कहीं ना कहीं कोई कमी लाने के योग दे सकता है, और सुख कैसे भी हो सकते हैं, वाहन का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, तो इन सब चीजों में थोड़ा ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। वैसे बृहस्पति का परिवर्तन जो है आपके लिए, जो 21 तारीख का परिवर्तन होगा वो तो विशेष तौर पे बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला है। ये 2000 आपके लिए जो संवत आरंभ हुआ है 2080, हमने इसके लिए अलग से वीडियो बनाया भी था आपके लिए, और उसमें बताने का प्रयास भी किया कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत वीडियोस पे सोच के आप करने का प्रयास कीजिएगा। ये जो 2080 संवत आपके लिए आया है, मैं कहूँ भाग्योदय कारक योग बनाने वाला है, 12 वर्ष वाला समय आने वाला है आपके लिए 21 के बाद, लेकिन ये बृहस्पति का अस्त होना भी हम कह रहे हैं उसका पूर्व सूचना देगा आपके लिए, पदार्पण करेगा, और आपके लिए ये समय शुभ स्थिति उत्पन्न कर सकता है, कुछ मामलों में हमने बताया उनमें सावधान रहने का आपको प्रयास करना चाहिए। ऐसे में आपके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय जो हमें दिखाई देता है वो एक बात रखना चाहिए आपको, आप एक तो इस समय में बाल मत कटवाइएगा, आमतौर पर बाल कटवाने जाते हैं नाई के पास, तो हम कहेंगे इस दौरान करीब करीब जब तक ये बृहस्पति परिवर्तन होने की तरफ जा रहे हैं, ऐसे में थोड़े बाल मत कटवाइएगा, इस बात का ध्यान रखिए, बाल कटवाना अशुभ होगा आपके लिए। और पीला टीका, माथे पर केसर का या हल्दी का पीला टीका लगाना आपके लिए कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। जैसा हमने आपको समझाया कि आपके लिए विशेष तौर पर एक चीज अच्छी हो जाएगी, खासतौर पर कि आपके शत्रुओं की संख्या कम करेगा, रोग के मामले में समस्याएं ठीक करेगा, खर्चों को कम करेगा, जुर्माने कम करेगा, ये बृहस्पति का परिवर्तन जो है आपके लिए, और बंधन का योग भी कम कर देगा, और साथ साथ जो छोटे छोटे विपदाएं परेशानियां कहीं ना कहीं इधर से सिर उठाती रहती हैं, उन सब में भी बृहस्पति का ये जो परिवर्तन है सूर्य के साथ आने के कारण से अस्त हो जाते हैं वो भी उसमें परिवर्तन आने के योग बनेंगे, तो डेफिनेटली ये समय मैं कहूँगा आपके लिए तो कहीं
कई मामलों में 70% आपके लिए जो शुभ योग बनाने के योग थे 21 अप्रैल के बाद से, उससे पहले ही वो बनने के योग शुरू हो गए।